स्टूडेंट्स, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और आप पूछते हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग कैसे रिड्यूस करें। एक बात आपको बताती हूं मैं, ज्यादातर जो सिलेक्शन नहीं होता वो पॉजिटिव मार्क्स कम आने के कारण नहीं होता, बल्कि नेगेटिव मार्क्स ज्यादा आने के कारण होता है। स्टूडेंट्स इसे कह देते हैं कि हमारी सिली मिस्टेक हो गई है, सिली मिस्टेक। एक बात ध्यान रखिए, आप लोग एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जाम के रिजल्ट पर आपका पूरा करियर डिपेंडेंट है, आपके आगे आने वाली जिंदगी डिपेंडेंट है, तो यहां पर कुछ भी सिली नहीं हो सकता। सिली मिस्टेक जैसा कोई शब्द नहीं होता स्टूडेंट्स, मैं कहती हूं कि ये ब्लंडर है, और ब्लंडर को मैं कहती हूं ये ऐसा बवंडर है जो आपके जीवन में बवंडर लेकर आ जाएगा। तो पहले तो अपने दिमाग से ये एक्सक्यूज देना बंद करो कि यार मेरी सिली मिस्टेक हो गई, अरे मैंने डॉट नहीं पढ़ा। अपन खुश होकर हंसते, अरे यार मैंने एक्सेप्ट नहीं देखा, अरे मैंने फॉल्स नहीं देखा था, बस मुझे आता था, मैंने डोंट नहीं देखा था, मैंने OMR गलती से गलत भर दी। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां इतने बड़े एग्जाम में हम नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे हर स्टूडेंट को अपने दिमाग से ये निकाल देना है, ये एक्सक्यूज देना बंद करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं है, सिली मिस्टेक जैसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी तो नहीं करनी, धीरे 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 करके हम इसे रिड्यूस करेंगे ताकि नीट तक आते आते हम इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। अब आइए हम, मैं डॉक्टर हूँ आपको पता है, मैं हर चीज़ का पहले डायग्नोसिस बनाती हूँ फिर उसको ट्रीट करती हूँ, मेरा माइंड ही वैसा ट्रेन हो चुका है MBBS MS सब करने के कारण से। तो आइए हम समझते हैं कहाँ कहाँ से नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर इसके अलावा भी कुछ है तो आप मेरे साथ शेयर करना, मैं उसका भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली गलती होती है कि हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा। कितनों के साथ ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया? यानी आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है। प्रॉपरली कैसे रीड करोगे क्वेश्चन? हाथ में पेन या पेंसिल होगा, उससे हल्की सी लाइन लगाते हुए रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, ऐसे जैसे मैं पढ़ रही हूं। अगर इजी सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, मान लो फ्रेश वाटर में कौन सा एल्गी मिलता है, आपको मालूम है फ्रेश फ्रेश मतलब ग्रीन, मैम ने सिखाया है तो ग्रीन एल्गी, तो एक बार पढ़ लिया। पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जरूरत पड़े तो क्वेश्चन दो बार भी पढ़ो। एक बार ध्यान रखना, ये मैंने मेरे PMT यानी अब आप जिसे नीट बोलते हो, इवन मेरे PG MS की जो प्रिपरेटरी एंट्रेंस एग्जाम है, मैंने अपनी जिंदगी भर फॉलो करी है कि भले ही मेरे दो क्वेश्चन छूट जाएं पर मैं जो करूंगी वो सही करूंगी। तो उस समय आप जल्दी जल्दी मत करो, मैं वापस कह रही हूं, मैंने क्या बोला, डोंट रश। आपके भले ही दो क्वेश्चन छूट जाए, मैं फिर कह रही हूं, लेकिन जो कर रहे हो वो सही करनी, आती हुई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। तो दो बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के उसे समझो, और समझने के बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। कीवर्ड्स जैसे कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जहां से आंसर निकलता है, और स्पेशली नॉट, इनकरेक्ट, फॉल्स, एक्सेप्ट, डोंट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। जैसे अगर नॉट इनकरेक्ट लिख कर आए तो अपनी मदर टंग में बोल के देखो, मातृभाषा में, नॉट इनकरेक्ट मतलब गलत नहीं है, मतलब सही है, तो वहां ट्रू लिख लो। तो ये पहला स्टेप है, क्योंकि आधे से ज्यादा मिस्टेक्स हम क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं या ढंग से समझा नहीं या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड छूट गया उस कारण गलत कर देते हैं। नंबर टू हमें क्या करना है, रीड ऑल ऑप्शंस। कई बार क्या होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने समझ भी लिया, आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा वो करेक्ट है, आपने उसे लगा दिया, पर सेकेंड ऑप्शन मोर करेक्ट था। ऐसा हम कई बार सॉल्व करते, मैं भी बताती हूँ, आपके सभी टीचर्स बताते होंगे कि ये देखो ए सही है पर सी ज्यादा सही है। तो ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू रीड ऑल द ऑप्शन ऑलवेज। नंबर थ्री, OMR गलत भर दी, OMR गलत भर दी। अब ये बड़ा दुख होता है स्टूडेंट, इससे ज्यादा दुख जीवन में नहीं होता। क्वेश्चन आता था, OMR गलत भर दी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने फोर्थ नंबर का फिफ्थ में भरा, फिफ्थ को ऑटोमेटिक सिक्स्थ में हो गया, सिक्स को ऑटोमेटिक सेवन्थ में हो गया, और पता पड़ा लाइन से धड़ाधड़ क्वेश्चंस गलत हो गए। मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, बताओ अगर किसी के साथ यहाँ पर हुआ है। इसका क्या तोड़ है, हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमें धुन हो जाती है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा मजे भी आने लगते हैं क्योंकि बनने लग जाते हैं क्वेश्चन, टाइम का भी टेंशन होता है कि यार टाइम कम नहीं पड़ जाए, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं। हम सोचते हैं OMR हम लास्ट में भरेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको साइंटिफिकली पूछती हूँ, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, टोटल टाइम तो उतना ही है ना। अब आप चाहे 3 घंटे में पेपर सॉल्व करके आखिरी के 20 मिनट में OMR भरो या बीच बीच में OMR भरो, ये केवल एक प्रैक्टिस की बात होती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि या तो सेक्शन वाइज, एक सेक्शन किया, सपोज बॉटनी का सेक्शन ए किया, उसकी OMR फिल कर दी, या हर 15-20 क्वेश्चन में आपको जो भी सूट करे, जैसे मैं तो ये फॉलो करती थी,
वो मैं इसलिए फॉलो करती थी क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहती थी, मैं इतना डरी हुई थी, मुझे लगता था कि यार गलती भी होगी तो इसी पार्ट में गलत होगा ना, अगर गलती से गलत भर भी गया तो इसी में ही गलती होगी, ऐसा तो नहीं लाइन से पूरे 100 की 100 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी से आज से ही ये सब चीजें प्रैक्टिस करना शुरू करनी है। नंबर 4, तुक्का लगाना। अब आप कहोगे मैम तुक्का नहीं लगाते हम, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि हर चीज हम तुक्का लगा रहे हैं। इस बात को समझ लो, सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए अपने पास में ये 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको चारों ऑप्शंस आते नहीं है या आप चारों में कंफ्यूज्ड हो, आप उस क्वेश्चन को छोड़ कर आओ, छोड़ के। अगर सपोज करो आपको मालूम है ये तो नहीं है, आप 3 में कंफ्यूज्ड हो, आप उस क्वेश्चन को छोड़ कर आओ। अगर आपको मालूम है कि यार ये भी नहीं है, मैं इन 2 में कंफ्यूज हूं, यानी आप 50-50 लाइफ लाइन आ गई आपके पास में 50-50, तो 50-50 में अब आपको क्या करना है? अगर 3 में कंफ्यूजन है या नहीं आते हैं या 4 में, तो क्वेश्चन छोड़ना है। एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट्स, उस समय पर हमें हमेशा +4 दिखता है, हमें -1 दिखाई नहीं देता है। हर इंसान की ना उस समय पॉजिटिविटी जाग जाती है। आप तो ये मानकर चलो एग्जाम का दिन आपकी जिंदगी की सबसे बुरी किस्मत का दिन है और उस सबसे बुरे में आपको सिलेक्ट होना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये मानकर पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए हमेशा। तो अगर 50-50 है, बिल्कुल एग्जैक्ट 50-50, और आपको हल्का सा भी लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये मैंने उस कॉपी में, उस रजिस्टर में, उस लाइन में ये देखा था, मैम ने ऐसा कुछ बताया था, सर ने ऐसा कुछ पढ़ाया था, थोड़ा भी, तो आप लगा कर आओ। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना, वरना क्वेश्चन छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, बिलीव मी आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। हो सकता है अभी 1-2 टेस्ट में आप अप्लाई करो और आप कहीं पे तुक्का लगाने की सोच रहे थे यहाँ पे, बट आपको मेरी बात याद आ गई, आपने तुक्का नहीं लगाया, आप बाहर आए तो आप जो तुक्का सोच रहे थे वो सही था। आप मुझे थोड़ी गाली दोगे, थोड़ा कोसोगे, थोड़े बद्दुआ दोगे, पर लॉन्ग रन में ये दुआ में बदल जाएगी, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है डोंट ओवरथिंक, ज्यादा दिमाग लगाना। कितनों के साथ ऐसा होता है? मेरे साथ हुआ था जब मैंने मेरा AIPMT दिया था, अपन जिसे नीट बोलते हैं, तो मुझे अभी भी याद है फिजिक्स में सीरीज का फॉर्मूला पूछा था और मैं बैठ के सोच रही हूँ यार AIPMT के पेपर में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, तो मैं वहां दिमाग लगा के पता नहीं क्या कर आई थी, गलत करके आ गई थी। तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए स्टूडेंट्स, नीट के पेपर में 99.99% पेपर डायरेक्ट आता है, सीधा आता है, वही पूछ रहे हैं एग्जामिनर जो आप सोच रहे हो, तो आप प्लीज एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। तो ये चीजें आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए एंड आई रियली होप कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होगी। जैसे ऋतिक रोशन ने एक बार कहा था कि एक्सरसाइज करने का बेस्ट तरीका है कि आप डेली ये सोचो कि मैं कल से आज 5 मिनट एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूंगा, आज से 5 मिनट एक्स्ट्रा फिर टुमारो आने वाले कल में करूंगा, 5 मिनट केवल। ऐसे ही नेगेटिव मार्किंग मुझे रिड्यूस करनी है अपने दिमाग में लेकर आइए। भले ही मेरे 10 क्वेश्चन होते थे तो 8 होंगे, 8 होने लग गए तो अब 6 होंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं तो ये कभी रिड्यूस नहीं होगी। बस हम जिंदगी भर एक्सक्यूज देते रहेंगे, सिली मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है।